तो दोस्तों मॉल की शो में होने वाला है घमासान युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा शॉक इंटरेस्ट आने वाला है आज के, मतलब 8 जुलाई के एपिसोड में। चलिए जानते हैं क्या है वो ट्विस्ट और क्या बड़ी चीज होने वाली है। तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं सीएनएस स्पीक्स और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जैन। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, हमने देखा कि वीरेंद्र ने साक्षी को, अपनी माँ प्रकाशी को, अंजलि को, सबको घर से बाहर निकाल दिया है और अपने साथ, अपने पूर्वी के साथ लाइफ स्टार्ट कर दी एक नई पहले से, एक नई पहलव से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम देखते हैं दोनों को कहीं प्यार करते हुए खुश रहते हैं। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रकाशी चुप रह जाएगी उस इतनी बेइज्जती झेलने के बाद? नहीं दोस्तों, वो करती है किसी दो लोगों को कॉल। जी हाँ दोस्तों, वो होते एक लड़का और एक लड़की और उनसे कहती है कि तुम्हारे आने का वक्त हो चुका है, अब तुम वापस आ जाओ। वीरेंद्र और पूर्वी को खतरों से खेलने का काफी मजे आते हैं, तो अब इन्हें असली खतरे से खिलवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आगे देखेंगे कि दो लोग एंटर करते हैं, एक्चुअली पूर्वी और वीरेंद्र एक हवन कराते हैं सुख शांति के लिए घर में। तो जैसे ही वो पंडित जी के पैर छूती हैं, तभी बैक डोर से आ जाते हैं दो लोग और रोक देते हैं पंडित जी को आशीर्वाद देने के लिए। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या ये प्रकाशी की कोई रिलेटिव है या मॉल की शो में दिखा दिया है एक लीप? जी हाँ दोस्तों, क्या ये बड़े जूही और मानस है? बिकॉज दोस्तों हम जानते हैं जूही मानस को होने लगेगी नफरत, क्योंकि वीरेंद्र ने उनकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है साक्षी को, इस शर्त पे कि साक्षी ने शर्त रखी कि बच्चों को कुछ नहीं पता लगेगा। तो क्या ये बड़े मानस और जूही है? दोस्तों बहुत कुछ खुलासे को रह गया है, बहुत कुछ खुलासे करने को रह गए हैं। आप अपडेटेड रहते रहिए सीरीज स्पीक्स के साथ, मैं आपको लगातार इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।